वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एफटी की या 50 के बारे में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। ये डाइकन का 1.5 टन में सबसे ज़्यादा ISCR रेशो वाला एसी है, जिसकी ISCR रेशो 5.80 है। अगर क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आए तो माफ़ कीजिए, क्योंकि GoPro में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या सेटिंग करनी है इसमें। ये कोई भी नज़दीक की वीडियो या करना चाहूँ तो उसका फोकस नहीं बना रहा ये GoPro। देखिए, ये अदर डेटन है 5x बटर सी, ये FTKF है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए आउटडोर का साइज भी बड़ा है। तो मुझे कमेंट आया था कि इसका आउटडोर इतना हैवी क्यों है, इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ओपन करके ही दिखा दूँ कि वो इसका आउटडोर इतना हैवी क्यों है। सबसे पहले इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इससे आम भी आउटडोर के मुकाबले अगर आप कंपेयर करते हो हाइट ज़्यादा है। दूसरी बात, इसमें अगर कॉयल्स देखो, 1 row 2 row एंड ये 2.5 row कॉयल आ गई, 1 2 3। हाइट पहले ही ज़्यादा है तो कॉयल भी ज़्यादा होगी, चौड़ाई भी ज़्यादा है, चौड़ाई में भी कॉयल ज़्यादा होगी ऐसे। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, हाफ कॉयल और लगा दी। अगर हम दूसरे एसी की बात करते हैं, उसकी हाइट है कम और कॉयलिंग भी डबल होती है, इसमें आपको मिलेगी 2.5 row कॉइलिंग ज़्यादा, 1 2 3 2.5। फैन मोटर बढ़िया है, फैन मोटर के RPM ज़्यादा है, ब्लेड बड़ा है। अगर इसकी PCB की बात करो, PCB भी बहुत शानदार है इसकी। सबसे बढ़िया इसकी कॉइलिंग का ये बेनिफिट हो गया, जैसे कॉइलिंग ज़्यादा ना, ये हाई टेम्परेचर में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कूलिंग कम होगी और कंजप्शन एम्पेयर बढ़ा ले। इसकी कंजप्शन बढ़ ही नहीं सकती जब इस बार हीट ज़्यादा, क्योंकि कॉइलिंग इतनी बढ़िया है, इसको हीट जितनी ज़्यादा होगी ना, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप दूसरे मॉडल्स में देखते हो तो उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है, कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, पर इसकी आप देखो कूलिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी। इंडोर की भी बढ़िया इसकी है, देखो कॉइलिंग इसकी भी बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी अगर वेट की बात करो, इस आउटडोर का वेट है आपका, ये करंट है 5.1 एम्पीयर, नेट वेट है 47.5 kg। अगर आप इसके कंप्रेशर में गैस देखो तो 1.19 kg है। इतनी गैस हमारे 2 टन के एसी में आती है जितनी ये इसमें 1.5 टन का, क्योंकि कंप्रेशर भी बड़ा, कंप्रेशर बड़ा लगा के उसकी स्पीड इन्होंने कम करी हुई है, जिससे कंजप्शन कम होगी उसकी, उसे पूरी स्पीड पे जाने नहीं देता ये जो उनसे PCB है ना, उससे ये होगा कि हीटिंग में भी ज़्यादा हीट, क्योंकि फुल स्पीड पे जाता नहीं तो हीट भी नहीं बनती, हीट अगर बनेगी भी इससे कौन सा कोई फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप इसमें पावर चिल मोड है, पावर चिल मोड को प्रेस करो, ये अपने फुल स्पीड पे आ जाएगा 15 मिनट्स के लिए, 6000 वाट कूलिंग कैपेसिटी, नियर अबाउट 1.8 टन पे चली जाएगी आपकी मशीन। आउटडोर बहुत बढ़िया इसका, हम इसका देखें तो ये देखो इसका जो सा ब्लोर है, ये है 1 2 3 और 3 के बाद इतना, सिर्फ ब्लोअर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका ब्लोअर देखो,
एक दो तीन चार, और चार से इतना ज्यादा। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि वोल्टास वगैरह का भी तो इतना बड़ा होता है, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। वोल्टास का देखने में ही बड़ा है ये, देखो अंदर क्या है, इन्होंने प्लास्टिक लगा रखा है, ये इतना प्लास्टिक लगा हुआ है एक्स्ट्रा इसमें। ये आप देखो इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। अगर आप इसकी सिर्फ वो देखें ब्लोअर की, एक दो तीन फोर, उतना ही साइज है जितना डाइकन का था। कोई ये मैक्सिमम एक आधा इंच बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं। ये है ना, ये सब मॉडल पे ऐसा ही देखो, इधर भी प्लास्टिक है, इधर भी प्लास्टिक आ गया, इधर भी प्लास्टिक आ गया, पर डाइकन का ये है कि जितना वो है। ये देखो मेरे भी चल रही है मशीन, कंपेयर देख लो इसके कितने चल रहे हैं। ये मेरी 1.8 टन की 2016 मॉडल है, 2016 का मॉडल, और इसके कंपेयर चेक कर लो, 24 डिग्री पे चल रही है ये मशीन। तो अपने आप देख सकते हो कि मशीन में कितनी बढ़िया मशीनें होती हैं उनकी। कुछ लोग पूछ रहे थे KZ लेना चाहिए या KF लेना चाहिए। अगर आपका रूम बड़ा है, अगर आपका रूम है 14 बाई 14, 15 बाई 15, यार आप ऐसे जगह पे रहते हो जिधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वो भी ले सकते हो ऊपर वाला मॉडल। अगर आपका रूम है ही 12 बाई 13 था, 13 बाई 13, और इतने गर्मी नहीं होती, तो ये मॉडल भी बहुत शानदार है। जिस प्राइस में ये मॉडल आ रहा है ना, इस मॉडल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में, इतना शानदार मॉडल है ये। जो बेस्ट मॉडल है ना इसके, KZ आ गया, ये GT KZ है, इसमें एयर प्योरीफायर वगैरह आ जाता, आई सेंसर आ जाता है, इससे ये मशीन बहुत शानदार हो जाती है। फिर ये आ गई KF, ये इन्होंने अपनी रेंज दे दी आपको कि आपको कौन सी चाहिए, आपकी नीड क्या है। अगर आपको वाईफाई वगैरह चाहिए तो आप स्मार्ट सीरीज ले लीजिए। अगर आपको इनोवेशन फॉर परफेक्शन कहते हैं इस मॉडल को ये, अगर ISER ज़्यादा चाहिए और रिमोट में थोड़ी रिमोट थोड़ा बढ़िया चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको चाहिए एयर प्योरीफायर चाहिए, आई सेंसर चाहिए, तो आप मैटनिश चाहिए, तो आप ये मॉडल लीजिए। अगर आपको चाहिए कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, आपका रूम हीट अप होता है, आपका रूम का साइज़ बड़ा है, तो आप लगाइए ये मॉडल। अगर आपने JT KJ लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर इसमें आपको TV मॉडल मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। यूवी में से TV बेहतरीन है, क्योंकि TV मॉडल की 6,000-6,000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी थी। अगर यूवी की बात करें, उसमें 5,750 वॉट कूलिंग कैपेसिटी है। हमने कंपनी से पूछा कि आपने कंजप्शन कम क्यों करी, सॉरी कूलिंग कैपेसिटी कम क्यों करी है, तो उनका ये कहना था कि इसकी आउटडोर की जब ये कूलिंग कैपेसिटी एक्सपेंड करता था, तो RPM इंक्रीज हो जाते थे कंप्रेशर के, जिससे थोड़ी सी नॉइस लेवल ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए इन्होंने कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी। ऊपर 6,000 वॉट हो गई, ये 5,750 वॉट, और ये 6,000 वॉट, फिर ये भी 5,750 वॉट। JT KJ, FTKF, इनका आउटडोर सेम है। JT KJ और FTKZ हो गया, FTKM हो गया, FTKR हो गया, इन सब का आउटडोर सेम साइज का, डबल रो कॉइल आ गई, DC फैन मोटर आ गई। आपका ये मॉडल आ गया, FTKM सीरीज भी आ गई, बढ़िया मशीन है ये भी। अगर कोई भी
क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपका उस चीज़ का मैं ज़रूरी रिप्लाई करूँगा।